तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। तो आज का सीन कुछ इस तरह का है कि आज जो है माँ मामा की एनिवर्सरी है, सही है, और आज हम जा रहे हैं। नहीं तुम्हें बोलना, तुम्हें बोलना का फायदा ही नहीं है। खैर, अभी हम केक काट कर रहे हैं। केक आ गया है, ये देखिए हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी लिखा हुआ है केक पर। बाबा भी रेडी है, बाबू ने आज ब्लू वेयर किया है, मामा ने भी आज ब्लू वेयर किया है, बैलून वगैरह सब कुछ लगा लिए हैं। तो अब जो है हम लोग सबसे पहले केक काटेंगे, और केक काटने के बाद आज हमने बहुत फंडे प्लान किया है, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि पहले हम थोड़ा सा सिम्बा जाने का सोच रहे हैं, और फिर डर पे जहाँ पे भी जाएंगे आप लोगों को बता देंगे। तो फर्स्ट पहले हम करेंगे अपना सिम्बा जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे केक कट करेंगे। तो बाबा कैसे लगे कि आज आप लोगों की एनिवर्सरी है? तो चलिए भाई, अब जो हम लोग केक कट करते हैं, ठीक है, और केक कट वाला केक खाते हैं जल्दी से, और फिर जाते हैं। 2-1 स्टार्ट। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोलते हैं बेटा, चलो भाई केक काटिए, खिलाइए। चलो हटो यहाँ से तुम। वाह भाई, नहीं तुम्हें नहीं देंगे, नहीं कर लूँ। चलिए अब हम लोग आपसे अब मिलते हैं केक खाने के बाद। आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये जो है हमारे पास मोबाइल में है, अब डेट है कि जल्दी निकले हैं नेक्स्ट टाइम, और ये लोग 250 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं फॉर लाइक आपकी रसीद के लिए, लेकिन आप लोग रसीद मत बनाइएगा, फातिमा का चार्ज करते हैं। हम सिम्बाद आ चुके हैं, और यहाँ पे ये रही मामा। अच्छा, हम लोग को रिस्ट बैंड लेना था, क्योंकि रिस्ट बैंड क्या है, आसानी जाती है, 400 रुपए का होता है, और उसमें अनलिमिटेड राइड्स हम एंजॉय कर सकते हैं। बट यहाँ पे सीन कुछ इस तरह का हुआ कि यहाँ पे रिस्ट बैंड की टाइमिंग अभी ज़्यादा खत्म हो चुकी है, तो इट्स टाइम इज़ लाइक 10:12 हो रहे हैं अभी, और 10:12 पे रिस्ट बैंड नहीं होता, सिर्फ 9:30 तक होता है। सो हमने कहा चलो यार ऐसे चल लेते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो वो रही मेरी अम्मा जान पीछे बातें कर रही हैं, ये मैं, अभी मैंने गजरे दिलाए इनको, लेकिन समरा को गजरे नहीं पहनने कही, मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो मैंने पहन लिया, मैंने मामा को पहना दिया। अच्छा, मेरी बहन मुझसे बिल्कुल अपोजिट है, मुझे पसंद है, इसको पसंद नहीं, तो अब ये खैर सबकी अपनी चॉइस होती है, आपको भी ये पसंद है, मैं सबसे अलग पता नहीं क्यों पैदा हो गई हूँ। अब हम इंजॉय करने जा रहे हैं आगे सामने के लिए, देख सकते हैं आप लोग सारी राइड्स वगैरह हैं, सो लेट्स गो एंड एंजॉय। आप अभी चले, लेकिन माँ मामा मना कर रहे हैं, और ये हमारे टिकट चाहे कितने टिकट जाए, 4 अदन पकड़ो, अपना तन्नो पकड़ो, एक अदन का, एक समरा का, और एक मेरा। हम जा रहे हैं, हाँ मैं इसमें भी जाऊँगी, लेकिन पहले मैं इसमें जाऊँगी। चलो ऐसी दिख रही है, और अभी हम गोल घूम रहे हैं। क्वेश्चन चल रही थी कि इस वाले में झूले पे कौन बैठेगा, तो ये ऊपर जाके नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ये रुक जाता है। दो मुझे ये दो, पता ना बैठने बस, पहले आप जाएंगे वहाँ पे, आपको कैसा लगा क्रेजी ऐसे बैठे? तो अब हम जाएंगे उधर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस पर बैठने के, तो मैं नीचे से वीडियो बनाऊंगा, हम लोग ऊपर जाएंगे। ठीक है हम
जिंदा सलामत नीचे ऊपर से नीचे आ चुके हैं और ये जिंदा आ गई वापस। बहुत बड़ी बात है, भी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज सो फन, बहुत मजा आया। बाबा कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ मैंने बनाया, इसके ऊपर मैं गई थी, ऊपर से नीचे आई थी, बहुत मजा आया। आप लोग लेकिन छोटे बच्चे नहीं कीजिएगा, छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े बच्चे कीजिएगा। हम हाँ। दोनों भी नहीं गए थे, हम आ जा रही है, मदन तन्वी भी जा रहे हैं। टाटा, बाय बाय। हम लोग आए हुए हैं यहाँ एलिफेंट पे बैठने के लिए। आ गया है ऊपर, एंजॉय। इसमें हम लोग चला नहीं सकते, ये वाला बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, बोरिंग राइड है एकदम। इसमें बच्चे आ सकते हैं, जो बच्चे रोते हैं वो बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, माँ बाबा जा रहे हैं क्रेजी बस पे, क्रेजी सारी सारी हरकतें करने के लिए, क्रेजी क्रेजी हरकतें करने के लिए। हाँ बाबा की बात तो सुने, एकदम दिल जवान है बाबा का। बचपन का झूला, ये भी है तुम्हारे बचपन का झूला। छोटी सी होती थी मेरी सनी, बिल्कुल इतनी सी, इतनी सी, इतनी सी। अभी मामा ऐसे पकड़ के बैठा भी देना, खड़ी भी रहती थी, माँ भी साथ में राइड्स लेती थी। बस देखें इतनी जल्दी घर में बड़ी हो गई, इतनी जल्दी मेरी समरू बड़ी। तो गाइस अब हम आ चुके हैं चाचा जी पे, और ये चाचा जी की जो है गुलिस्ताने जौहर वाली ब्रांच है, सही गुलिस्ताने जौहर और नाथनाबाद के बीच में मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। तो मैंने तभी मामा की तरफ देखा कि हम सही ब्रांच में आए नहीं आए। तो वी आर एट गुलिस्ताने जौहर वाली ब्रांच, और ये बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। अच्छा क्या बेचती चल रही है? टोनी की आप शक्ल देख सकते हैं, टोनी को बहुत भूख लग रही है। टोनी को बहुत भूख लग रही है, अदन को भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन अदन जो है टोनी की तरह ओवर नहीं हो रहा है, टोनी कुछ ज्यादा ही एकदम भूखू भूख हो गई। पता है क्या, हम लोगों ने केक घर पे जब मम्मा कट किया था, तनवी तब केक भी नहीं खाया। तो क्यों नहीं खाया? मैं तो बैठू हूँ, मैंने तो खा लिया। कहा भाई हम तो जा रहे हैं, चुप तो रहो तरा, हम लोग जा रहे हैं, मेरे को भूख लगेगी। तो मैंने घर से केक खा के ही निकली थी। एंड यू गाइस कैन सी दैट ड्रिंक आई गॉट इट फ्रॉम अ पीआर। हां चाट तो चाट भेज दो। और सो गाइस यू कैन सी हम लोग ने कचरे भी लिए थे, समझ नहीं फोन फिक्स करो बंदो। ये देखिए हमारे, देखिए आप कौन कौन सी पी हो गए। अब हम जो है आ चुके हैं खैर वहाँ पे। चाचा जी का जो था वो खाना बहुत अच्छा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा था। हम लोगों ने वहाँ पे जो है क्या थाली वगैरह ही मंगवाई थी, बट ऑनेस्टली थाली वगैरह की सब जो था बहुत बहुत ज़बरदस्त था, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो गाइस जब हम आ गए आगरा हैदर जूस पे, ये जो है मस्कन की सारी लुगेरी है, ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने ही है। ये हमारा फालूदा आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं कितना लोडेड है ये, और तन्वी की शक्ल देखें, तन्वी अभी से बोल रही है कि जल्दी से हो जाओ, चलो सब ले लो। ये हमारे प्यारे से बाबा के लिए, मामा को कुछ नहीं दिया, और ये मेरा, वो देखिए वो देखिए।
फाइनली अब हम घर आ चुके हैं और आज का जो दिन था वो बहुत ज़बरदस्त था। पहले हम लोग ने केक काटा, उसके बाद सिम्बा गए, देन उसके बाद हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद हम आ गए इधर, यूज़ करते फालूदा खाने के लिए। तो ऑनेस्टली इट वॉज अ वेरी गुड डे फॉर अस। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। प्लस अगर आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखेगा। प्लस वीडियो के एंड में माशाल्लाह बोलना, माशाल्लाह कमेंट करना जरूर, मतलब भूलिएगा मत, जरूर लिखिएगा। और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखेगा। आप सबको पता है कोविड अगेन आ रहा है ओमिक्रॉन के नाम से, तो प्रिकॉशंस वगैरह सब कुछ आप लाइक अपना ख्याल रखें, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह अगेन यूज़ कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।